देश में पिछले करीब 2 महीनों से कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। हालांकि अब नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। कोरोना के बाद अब सरकार को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने चिंता में डाल दिया। देश में ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसे नई चुनौती बताई है। आपको बता दें कि गुरुवार को ब्लैक फंगस की लक्षण वाली वैशाली के लालगंज निवासी महिला की जान चली गई। इसके पहले कैमूर निवासी महिला की वाराणसी में, तो इस बीमारी के लक्षण वाले मुजफ्फरपुर निवासी वृद्ध की IGIMS में एम्बुलेंस में मौत हो गई थी। इस तरह ब्लैक फंगस से अब तक 3 जाने जा चुकी है। वहीं गुरुवार को पटना के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के कुल 31 नए मरीज अपनी जांच कराने पहुंचे। इस तरह राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 135 मरीज मिल चुके हैं। गुरुवार को सामने आए 31 मरीजों में से 26 पटना एम्स में, जबकि 5 IGIMS में पहुंचे। IGIMS में जांच कराने आए 5 में से 4 को दवा और सावधानी बरतने की सलाह देकर घर भेज दिया गया। वहीं गंभीर लक्षण वाले एक मरीज को भर्ती कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि एम्स में आए 26 में से 7 गंभीर लक्षण वाले थे, इन्हें भर्ती कर लिया गया है। बाकी 19 आंशिक लक्षण वाले को दवा और चिकित्सीय सलाह देकर घर भेज दिया गया है। एम्स में ब्लैक फंगस के कुल 32 मरीज भर्ती है, इनमें से 4 ICU में है। उधर वैशाली जिले के लालगंज के घटारो दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या 8 निवासी राजकिशोर राय की पत्नी प्रमिला देवी की हाजीपुर के जोहरी बाजार स्थित निजी नर्सिंग होम में बुधवार की देर रात मौत हो गई। आपको बता दें कि देश में जानलेवा ब्लैक फंगस का संकट गहरा रहा है। अब तक इस बीमारी के कुल 7251 केसेस सामने आ चुके हैं, इनमें से 219 मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र से आए हैं। इतनी संख्या में फंगस इन्फेक्शन पहले कभी नहीं देखा गया था, जितना कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अभी देखा गया है।